बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला बोला है, जिससे ये साफ हो चुका है कि लोकसभा चुनाव बीएसपी चाहे कुछ भी हो जाए, समाजवादी पार्टी जहां पर होगी या समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर नहीं लड़ेगी। हमारे साथ कुछ समाज के लोग हैं और जो दलित की राजनीति को और जो राजनीति चलती है उत्तर प्रदेश की और पूरे देश की, उस पर काफ़ी जानकारी रखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सतीश प्रकाश जी से, जो दलित की राजनीति हो या वैसी राजनीति हो सारी जानकारी रखते हैं। जो मायावती जी ने ट्वीट करा है, हालांकि ये भी कहा जाता है कि मायावती जी ट्वीट करती हैं बस, ज़मीन पे नहीं उतर के आती हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर सीधा सीधा ये आरोप लगाया है कि दलित विरोधी हैं वो, क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, अखिलेश जी को, अखिलेश जी का गठबंधन है, वो एक पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट भी हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। उनके व्यक्तित्व में वो गंभीरता आनी चाहिए जिसकी लोग उम्मीद करते हैं। गारे वगारे अक्सर अखिलेश जी जो है उनकी बयानबाजी आप देखेंगे, जैसे अखिलेश वखिलेश हुआ, गठबंधन उन्होंने तुरंत तोड़ने की बात करी। अब भरोसा कहाँ है या नहीं है इसका हम जवाब नहीं दे सकते ना। बहुजन समाज पार्टी ने पहले दिन से कहा कि हम गठबंधन का हिस्सा नहीं है। जब बहुजन समाज पार्टी ये कह रही है कि गठबंधन का हिस्सा नहीं है और अखिलेश जी गठबंधन का हिस्सा हैं, तो आखिर वो क्या हालात हैं कि गठबंधन होने के बावजूद भी अखिलेश जी अपने आप को कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? उनकी बयानबाजी से तो कहीं ना कहीं इसी तरह का नज़र आ रहा। दूसरी बात, अखिलेश जी को ये भी तय करना पड़ेगा कि उनकी लड़ाई सरकार के खिलाफ है या बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ है या बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ है। गठबंधन रहा, टूटा, गठबंधन होते हैं, टूट जाते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से और एक धीर गंभीर पॉलिटिशियन को हमेशा चीज़ों को बना के रखना चाहिए। ये तंजबाजी जो है, ये जो गली मोहल्ले की जो भाषा है, ये मेरे हिसाब से, हम अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री रहे उनके बहुत सारे काम ऐसे रहे। आज उनको लगता है कि अखिलेश जी पीडीए बनाने की बात करते हैं, दलित उनको याद आते हैं, लेकिन एक ये भी समय है कि जब अखिलेश जी सरकार में रहे तो कहीं ना कहीं दलित विरोधी बहुत सारे काम उन्होंने किए। आप देखिए, अरे आप यहाँ सहारनपुर से चलिए ना, आज ही तो माननीय काशीराम जी की बात कर रहे हैं। माननीय काशीराम जी के की जो जन्मदिवस की छुट्टी वो उन्होंने ख़त्म करी। जो आपका सहारनपुर मेडिकल कॉलेज है उसका नाम उन्होंने चेंज किया। जो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज था साहूजी महाराज के नाम पे, उनको ख़त्म किया। तमाम वो जिले जो बहुजन समाज पार्टी ने दलित महापुरुषों के नाम पे बनाए वो तारे चेंज किए। 1,00,000 दलितों को रिवर्ट भी उन्होंने किया है ना, और आरक्षण बिल भी उनके बाकायदा सांसद ने फाड़ा है ना। तो दलित विरोधी है मायावती? मेरा मानना ये है, मेरा मानना व्यक्ति है, देखिए अखिलेश जी को गुस्से में हरा नहीं होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं ना, ये गुस्सा कहीं और दिखाना चाहिए। अपनी पार्टी को मजबूत करो, गठबंधन को मजबूत करो, और अपनी सारी की सारी जो पॉलिटिकल पावर है वो अपने गठबंधन के ऊपर लगाना चाहिए। अब उनको सीटें बन पा रही है नहीं बन पा रही है, इसका जवाब बहुजन समाज पार्टी से हम कैसे दे सकते हैं? भाई आपको गठबंधन में कितनी मिलेगी ये बहुजन समाज पार्टी थोड़ी तय करेगी, ये तो कांग्रेस तय करेगी या जिन लोगों से आपने गठबंधन किया। बहुजन समाज पार्टी ने पहले दिन से कहा हम गंभीर हैं, हमने इस देश के लोगों से वादा किया है। इस देश का दलित कहीं ना कहीं अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। इसी मेरठ के अंदर तमाम दलितों ने एक महापंचायत बुलाई, तमाम दलितों ने 10 तारीख को महापंचायत है, और एक व्यक्ति की जो निर्मम हत्या हुई है, 2 महीने हुए अभी तक न्याय नहीं मिला। लेकिन अखिलेश जी की पार्टी ने बड़ी जानबूझ करके 4 दिन पहले उस महापंचायत की डेट भी चेंज कर दी। मतलब अखिलेश जी जिले चेंज करेंगे और उनकी जो लोकल यूनिट है ये दलितों की जो महापंचायत की भी डेट चेंज कर ली। तो ये सवाल है भाई, आप कब तक सवाल जोगे? उनका विधायक क्या बोलता है, उनका मंत्री ने किस तरह की बयानबाजी की, तो ये सवाल है। कहीं ना कहीं आप दलित, देखिए आप दलित मूवमेंट को कमज़ोर नहीं करेंगे, अगर अखिलेश जी दलित मूवमेंट को कमज़ोर करेंगे तो निश्चित रूप से इसका कहीं ना कहीं उनको लाभ तो नहीं होने वाला, नुकसान ही होगा। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के छात्र नेता भी हैं, काफ़ी नॉलेज भी रखते हैं। अभी आपने देखा कि यहाँ पर सतीश जी कह रहे हैं कि नुकसान ज़रूर होगा, दलित विरोधी है, ये इनकी बातों से भी झलक रहा है, और मायावती जी ने भी ट्वीट करा है, आपका क्या कहना है इस पर? नहीं, मेरा कहना ये है, मेरे अभिभावक मेरे गुरु हैं जिन्होंने अपनी बात रखी है। मेरा कहना ये है कि बहन कुमारी मायावती बसपा की सुप्रीमो हैं, लगातार 2019 का चुनाव हो या 2022 का चुनाव हो, सबसे बड़ा धोखा तो बहन जी ने दलितों को दिया है। किसी बड़े मंच पर अपनी अभी भागीदारी तय नहीं करी है, किसी भी मंच पर आकर ये नहीं कहा कि वो भाजपा के खिलाफ है या भाजपा के साथ है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे श्री अखिलेश यादव जी हमेशा दलितों के साथ हैं, दलितों की बात करते हैं, दलितों का पक्ष रखते हैं। तो बहन जी जो भी आज ये जो ट्वीट बता रहे हो, ये तो बता रहे हैं कि दलितों का पक्ष नहीं रखते हैं? नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरा दलितों का पक्ष रखते हैं और हम दलितों के साथ हैं।
और इस देश में पीडीए जो बना है हमारा पिछड़ा दलित अगड़ा। आप इधर की तरफ आइए थोड़ा, दोनों साथ खड़े होइए और दोनों की आपस में बात करते हैं। तो अभी जैसे इन्होंने कहा कि पक्ष में है, आप कह रहे हैं कि पक्ष में अखिलेश यादव, आपके सामने खड़े होकर कह रहे हैं नहीं है और विरोधी है। नहीं नहीं, दलितों के पूरे पक्ष में श्री अखिलेश यादव जी। और बात बहन जी की करें, बहुजन समाज के साथ बहन जी इतना बड़ा छल कर रही हैं, अपने लोगों से मिलती तक नहीं है, अपने लोगों के बीच में बात नहीं रखती हैं, सड़कों पर वो नहीं है, केवल ट्विटर पर रहकर अपनी बात को रखती हैं। तो अखिलेश यादव जी जहां भी कोई भी दलित, ये भी वही आरोप लगा रहे हैं कि सड़कों पर नहीं आती हैं मायावती जी और ट्वीट करती है बस। अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, अखिलेश जी कहाँ थे? बहुजन समाज पार्टी तेलंगाना में 5 सीटों पे बाकायदा हारी है ना, सेकंड प्लेस है ना आप, नहीं 5 सीटों के ऊपर दूसरे स्थान पे रही है ना आप। अगर यहाँ देखेंगे मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने आप भी गए थे ना, ठीक है ना, लेकिन आपने वहाँ भी बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ी है ना, आप देखेंगे ना राजस्थान में भी चुनाव लड़ी है ना आप, इन अलग अलग स्टेट। देखिए मेरा कहना ये नहीं है, मैं अखिलेश जी के ऊपर तंज नहीं कसूंगा, भाषा को आप थोड़ा सा मर्यादा रहनी चाहिए, राजनीति में भाषा का ही तो खेल है, भाषा का खेल है। भाषा सही नहीं है क्या अखिलेश यादव? नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की भाषा बहुत अच्छी है और बहुत ही सुलभ है। और रही बात चुनाव की, 2019 के लोकसभा चुनाव में उससे पहले बसपा 0 थी और हम लोग साथ लेकर आए, गठबंधन से चुनाव लड़ा तो 0 से 10 की संख्या तक पहुँचे। उसके बाद विधानसभा चुनाव में वो केवल 1 सीट पर सिमट कर रह गए, 403 विधानसभा के बीच जो चुनाव हुआ था। तो बहुजन समाज बहुत तरीके से छिटक चुका है और समाजवादी पार्टी की तरफ अपना रुख कर चुका है। बहन कुमारी मायावती केवल फिलहाल दलित विरोधी काम कर रही हैं, हमें ये नहीं पता उनको कौन सा डर है, किस चीज़ का डर है कि वो अपनी बात भाजपा के सामने खुलकर नहीं रख पाती, अपने लोगों की लड़ाई नहीं लड़ पाती। क्या ईडी सर और सरकार की तो सीबीआई का डर है क्या? जो ट्वीट समाजवादी के खिलाफ किया है, अखिलेश के खिलाफ किया है, तो आपको क्या लगता है इसके पीछे भी कोई साजिश है? नहीं, कहीं ना कहीं इस चीज़ के पीछे ये साजिश है कि इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं कांग्रेस का कल दृष्टिकोण था कि भाजपा के खिलाफ हम बसपा का एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते आ रहे हैं, जिस वजह से सभी श्री चंद्रशेखर को अभी तक अलायंस में नहीं लिया गया, एक सॉफ्ट कॉर्नर ये था। तो कांग्रेस के उस रुख को देखते हुए बहन जी ने कहीं ना कहीं भाजपा को लाभ देने के लिए ये जो ट्वीट करा है, ये जो पुराने जख्म वो अब ताज़ा कर रही है ना, वो लोकसभा चुनाव को एक तरफा है ना भाजपा को लाभ देने के लिए कर रही है। आप दोनों के पास फिर आऊँगा, आप कब एक बार परिचय बताइए और अब इस ट्वीट को और मायावती जी ने जो आरोप लगाया अखिलेश यादव जी पर, उसको कैसे देखते हैं? मैं मेडिकल कॉलेज से हूँ, मेरा नाम संजय कुमार है जी। जो पूर्व गवर्नमेंट समाजवादी पार्टी की गई है उससे तो यही आभासित होता है कि उन्होंने जो है दलितों के विरोध में कार्य किया है, क्योंकि सारे जितने भी निर्णय लिए गए वो दलित अगेंस्ट लिए गए, मगर क्योंकि अब वो सत्ता से दूर है और सत्ता पाना चाहते हैं, बिना दलित सहयोग के सत्ता किसी भी पार्टी को हासिल नहीं होनी है, इसलिए वो अब जो पुराना स्टैंड है उसको बदल कर अब वो चाहते हैं कि दलित भी हमारे साथ जुड़े। ये मायावती जी ने जो कहा है निसंदेह वो कहीं ना कहीं तक सही है। एक बहुत ज़रूरी बात आपने कही कि अगर दलित जीतना है चुनाव तो दलितों को साथ लेके चलना पड़ेगा, तो क्या मायावती जी और अखिलेश यादव ये अब दलितों पर राजनीति कर रहे हैं? देखिए बहन जी तो बहुजन समाज की लीडर रही हैं और उन्होंने बहुजन समाज का ही नारा दिया है और सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाली महिला बनी, वो इस देश की पहली महिला ऐसी बनी कि जिन्होंने सर्व समाज को लेकर चलने की बात करी और संविधान को मानने की बात करी, इस देश में संविधान को लागू करने की बात करी। साथ ही ये बात है, जब अखिलेश जी का चाल और चरित्र और काम करने का तरीका देखिए आप, जब सरकार में रहते हैं तो दलितों के अधिकारों के विरोध में काम करते हैं, भूमि अधिग्रहण बिल, दलितों को जो पट्टे मिले हुए थे वो उसमें संशोधन कर दिया गया, कोई भी खरीद सकता है उन्हें, दलितों पे जो 1-2 बीघे जमीन होती थी वो भी जिनके अधिकार थे उन वो ले सकते थे, उनको छीन सकते थे, 13-point रोस्टर उनकी देन है, प्रमोशन में आरक्षण में बिल उन्होंने फड़वाया और साथ ही साथ प्रमोशन जो हुए थे 1,00,000 लोग जो सरकारी नौकरियों पे थे उनको रिबेट किया गया और छात्रवृत्ति जो होती थी उन्हीं के समय में ये हुआ था कि जो गरीब परिवार की हैसियत देखकर दलित परिवार को देखकर मिलती थी उसको 60% अंक पर कर दिया गया और जब अपर कास्ट को तो वो फेलोशिप मिलने लग गई लेकिन दलितों को नहीं मिलने लगी क्योंकि उनके अंक ज़्यादा होते थे, दलितों के कम होते थे। तो एजुकेशन का फ़र्क वहाँ पर उन्होंने डाला कि ताकि दलितों को एजुकेशन ना मिल सके। और अब आज जब सत्ता में नहीं है वो तो आज वो ये बात कर रहे हैं कि हम दलितों के साथ हैं, बाबा साहब याद आ रहे हैं उन्हें। पीडीए पूरा उन्होंने एक बनाया है, उसमें पिछड़े
दलित और अल्पसंख्यक उन्होंने जोड़े हैं, तो आपको लगता है कि ये पीडीए कामयाब रहेगा? क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि वो तो दलित विरोधी है। देखिए पीडीए में अब पिछड़ा जो है इस देश के अंदर, शायद अखिलेश यादव को नहीं पता कि पिछड़ा वर्ग इस देश में कितना है, दलित कितना है। अगर दलित इस देश के अंदर 16-17% 20% है तो पिछड़ा इस देश के अंदर 50 से ऊपर है, तो पहले वो 50% के तो नेता बन जाएं। उनको खुद ही यादव वोट जो है कहां से कहां खिसक गया, 3% उनका यादव वोट रह गया, अगले इलेक्शन में वो भी नहीं होगा, वो तो पिछली बार शुक्र मनाइए। आपको कहां क्या लगता है कि कहां गया वो यादव वोट? देखिए यादव वोट जाहिर सी बात है हिंदुत्वीकरण हुआ है उसका, वो हिंदुओं की तरफ, वो बीजेपी की तरफ गया है, हिंदुत्ववादी विचारधारा में चला गया है। जो मुलायम सिंह जी ने शुरू किया था वो उसे ही नहीं रोक पाए, ये तो अच्छा है वो मुलायम सिंह जी का जो इन्हें सत्ता दे गए थे, नहीं तो इनके बस की तो क्या, मैं एक विधायक जीतना भी नहीं था, इनके बस की विधायक जीतना भी नहीं। और मुस्लिम समाज का इन्हें पैर धो धो के पीने चाहिए, और दलित समाज के भी। मेरठ की 7 सीटों को देख लो आप, जितनी भी समाजवादी ने 4 सीटें निकाली हैं यहाँ दलितों ने वोट दिया है, तो दलितों का वोट ले तो सकते हैं ये, लेकिन दलित सत्ता में आने के बाद दलितों के अधिकारों के लिए लड़ेंगे और उनके विरोध में काम करेंगे, ये सब को जाहिर है। तो ये जो अब भूमिका है, अब पीडीए का नारा ये दे रहे हैं, वो इंडिया गठबंधन से पूछे ना कि मेरा पीडीए चलेगा या तुम्हारा इंडिया गठबंधन चलेगा, अब इनमें ही दोनों में आपस में रहा है इंडिया गठबंधन को और पीडीए को लेकर। लगता है कि अकेले रह जाएंगे समाजवादी पार्टी पूरा लोकसभा चुनाव में, या साथ रहेगा कोई ना कोई उनके? देखिए वो अकेले लड़े साथ में लड़े, लेकिन बीएसपी का अभी तक क्लियर स्टैंड है और वो भविष्य की राजनीति पे, देखिए जब तक गठबंधन का डिक्लेयर नहीं हुआ इनमें आपस में फास हो गई, वो एक दूसरे को गाली गलौज दे रहे हैं, सीट शेयरिंग नहीं हुई, अखिलेश यादव सीट शेयरिंग अपने कैंडिडेट घोषित करने शुरू करें, तो ऐसे अविश्वास आदमी पर इंडिया गठबंधन या कांग्रेस ही कैसे समझौता कर लेगी, इनसे इंडिया गठबंधन में शामिल कर लेगी। एक ट्वीट मायावती जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी जब भी कोई गठबंधन होता है तो उन पार्टियों को ये कहा जाता है कि बीएसपी से दूर रहो, तो आपको उसमें ये भी माना जा सकता है कि वो चाहती हो कि एक बार अलायंस में आ जाए या उनकी कुछ बातें मान ली जाए, अलायंस में वो शामिल हो जाए, तो आपको लग रहा है कि जो उन्होंने ये ट्वीट करा है उसमें वो चाहती हैं कि मैं अलायंस में आऊँ? देखिए सुनिए, जब कल अलायंस में नहीं आ रही थी तो सब लोग बोल रहे थे कि अलायंस में क्यों नहीं आ रही हैं, ये राजनीति, देश की राजनीति ऐसी है, जब राजनीतिक फील्ड ऐसा है इसमें किसी से द्वेष भावना नहीं चलती है, राजनीति कभी भी क्षेत्र अपना कभी भी करवट बदल सकती है, तो ये लोगों के हित और लोगों की भावनाओं के आधार पर, और जो नेता ये डिसाइड ना कर पाए कि मुझे क्या स्टैंड लेना है तो उसकी राजनीति कुंद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो बहन जी का जो स्टैंड है आने वाले समय में क्या करेंगे हम, वो लोगों को भी भावनाओं को भी देख रही है और देश हित में क्या है वो इसको भी ध्यान में रखकर इस बात को देखेंगी कि हमारा इंडिया गठबंधन के साथ जाने से हमारे देश का फायदा होगा, लोगों का फायदा होगा, या इंडिया गठबंधन से बाहर रहकर हम देश के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे या लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए अच्छा कर पाएंगे, अपने लोगों के लिए अच्छा कर पाएंगे। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, आप युवा हैं, राजनीति को आप समझते होंगे, तो आपको क्या लगता है इस ट्वीट का क्या मकसद है? देखिए मायावती जी चुनाव से पहले ट्विटर पे आती हैं और चुनाव होते ही ट्विटर से भाग जाती हैं, जमीन इनसे तो वो बहुत दूर जा चुकी हैं। देखो तो प्रति काम करना है, ट्विटर बोलना वो काम करना नहीं है। ट्विटर पे 4 शब्द लिखने से ना तो दलितों का भला होगा ना ही उसमें मायावती जी का भला होगा, भला होगा जमीन पर काम करने से। वो दलितों के लिए कितना काम कर रही हैं वो दलित भी देख रहे हैं और अन्य लोग भी देख रहे हैं। और रही बात हमारे अखिलेश यादव जी हैं उनकी बात रही, वो जमीन से जुड़े हुए हैं और लोगों के लिए भी, वो भी कहाँ जमीन पे दिखते हैं, वो भी ट्विटर पर अभी ट्विटर पे तो हैं, मैं दस भी थोड़े थोड़े हुए कि कोई भी लीडर शायद अखिलेश जी से ज्यादा कोई ट्वीट करता ना हो, ऐसा लगता है कि सारे दिन ट्विटर ही खेलते हैं। मायावती से ज्यादा तो जमीन पर तो हैं, मायावती ट्विटर पे अब आएंगे चुनाव पर, चुनाव से 2 दिन बाद ही ट्विटर से भाग जाएंगी। चलो आपने मान तो लिया कि अखिलेश यादव ट्विटर पे तो हैं। हाँ हैं ट्विटर। अच्छा एक ट्वीट उन्होंने ये भी कहा और उसमें गेस्ट हाउस कांड की जिक्र किया। नहीं गेस्ट हाउस इस देश की सच्चाई है ना, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, वो एक कांड है, वो एक समाजवादी पार्टी का एक बुरा कृत्य है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। देखिए मेरा मानना कुछ और है, ये अखिलेश जी को भी समझना चाहिए, ये कांग्रेस को भी समझना चाहिए, वो तमाम दल जो बीजेपी को सत्ता से दूर करना चाहते हैं उनको बड़ी गंभीरता से सोचना चाहिए कि धर्म की पॉलिटिक्स को अगर कोई चीज़ ख़त्म कर सकती है वो सामाजिक न्याय की लड़ाई कर सकती है,
और सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है वो अक्सर आप देखेंगे कि धर्म की कुरूतियों के खिलाफ ही पनपती है। मान्यवर इनके मुलायम सिंह जी जीवन भर कहते रहे कि मैं वहाँ मंदिर नहीं बनने दूंगा, आज अखिलेश जी ये कह रहे हैं कि इन्विटेशन दे दो। दो भाषाएं हैं ना, अरे आप तय कर लो ना। ये कहना चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने सपोर्ट नहीं किया? नहीं नहीं, आप सुनिए मेरी बात को, सुनो ध्यान से। देखिए हम जिस विचार के साथ होते हैं, बहुजन जितने लीडर्स हैं उनका स्पष्ट मानना है हम किसी के धर्म का अपमान नहीं करेंगे, लेकिन हम उस व्यवस्था में शामिल नहीं होते। नहीं, अगर मंदिर बन भी गया तो क्या? नहीं, मंदिर मंदिर तो बने, मस्जिद भी तो बन रही है। नहीं, मस्जिद बने, मंदिर बने, गुरुद्वारा बने, कुछ भी बने, हमारा मानना यह है कि हमारे लिए धार्मिक व्यवस्था से ज्यादा महत्वपूर्ण सामाजिक न्याय की लड़ाई है। ठीक है, वो जो ट्वीट है मैं उसी पे चर्चा करूंगा, ये उधर उधर नहीं जाएंगे। तो ट्वीट में ये भी कहा गया है पुल बना दिया गया ऑफिस में, ऊपर से सुरक्षा कर्मियों को खड़ा कर दिया जाता है। नहीं, अब जब जब सरकार थी वो जो पुल है वो अखिलेश जी के टाइम में बना, और आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर उनका कोई कार्यालय है बाकायदा बहुजन समाज पार्टी ने लिखा था कि आप इस पुल की डायरेक्शन थोड़ी चेंज कीजिए, लेकिन जानबूझ करके उसके ऊपर वो पुल बनाया। उस पुल के बनने से उनकी उनके जो काम है, उनकी जो सुरक्षा है, सुरक्षा तो सबकी है ना, और मुख्यमंत्री तो सबके हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपने उस जानबूझ करके इस तरह के कार्य किए। जान का खतरा बताया मायावती ने अखिलेश यादव से? नहीं, ये तो सब सरासर आप उनका मनगढ़ंत बातें हैं, और अखिलेश यादव जी मायावती जी का बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं, और मायावती जी को ये तय करना चाहिए कि वो दलितों को किस दिशा में लेकर जाएंगी, भाजपा के समर्थन सम्मान करते हैं। अगर सम्मान करते हैं मायावती जी का, तो मायावती जी इतने आरोप क्यों लगा रही है? वो ये भी कह रही है कि दलित विरोधी है और बसपा को दूर रखा जाता है बाकी पार्टियों से अगर गठबंधन में होते हैं, ऐसा क्यों कहा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप 2019 का लोकसभा का चुनाव देख लो, जहां जहां मिलकर लड़े, संयुक्त रैलियां हुई हैं, और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अपना वोट बैंक बसपा को ट्रांसफ़र करवाई, पर बसपा बहुजन समाज पार्टी अपना वोट बैंक समाजवादी पार्टी को बहुत कम में करेंगे क्योंकि लंबा खिंच जाएगा। हाँ, पर बसपा को ट्रांसफ़र हुआ है क्या समाजवादी? देखिए, पूरे भारत के किसी भी पॉलिटिकल एनालिसिस को बैठाइए, सबसे ज़्यादा वोट ट्रांसफर करने की अगर ताकत है वो बहुजन समाज पार्टी की ही ताकत है, उसका वोटर बहुत भोला भाला होता है। पर वोटर कहाँ गया अब? इसलिए भारत की राजनीति में हर राजनीतिक दल बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन इसलिए करना चाहता है कि वो अपना 100% वोट ट्रांसफर कर देती है। 100% वोट के लिए ये सारी राजनीति चल रही है क्या? निसंदेह ये वोट बैंक की राजनीति है, और जो है आप पुराना अनुभव देख लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक है वो तो किसी भी पार्टी में ट्रांसफ़र हो जाता है, किंतु अब पिछला समाजवादी के साथ लड़ी थी, समाजवादी का बहुत अल्प मत में वोट बैंक चोट लगी थी, बहुत बुरी चोट लगी थी ट्रांसफर। हाँ, ये क्या चल रहा है? 24 का चुनाव है, शॉर्ट में बताइए, और अखिलेश यादव के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं अखिलेश यादव जी को ये कहना चाहता हूँ, पहले जातिगण जनगणना का वो समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं, पहले ये इंडिया गठबंधन की देन है, नीतीश कुमार जी ने साथ दिया है। वो कांग्रेस के भी विरोधी हैं, वो नीतीश कुमार जी के भी विरोधी हैं, वहाँ तो जातिगण जनगणना हो रही है जिससे पिछड़ा वर्ग का फायदा होने वाला है, और अब यहाँ लड़ाई चल रही है गेस्ट हाउस कांड वगैरह सब में। मतलब आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी की संलिप्तता है, और जो पुल बनाया है उसका भी उन्होंने जिक्र किया ट्वीट पे, तो आपको लगता है कि वो बीएसपी से थोड़ा सा वो रखे हुए विचार नहीं मिलते हैं और उसके विरोध में ये सब करा है? मुझे तो ऐसा लगता है, देखिए ये तो सच्चाई है, रियलिटी है, कोई इससे भाग तो सकता नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। गेस्ट हाउस कांड क्या है, पुल क्या है, और ये सब चीज़ें क्या हैं, ये तो सब प्रत्यक्ष है, और साथ ही साथ ये भी है कि मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश के अंदर और इस देश के अंदर अगर बीजेपी को बनाए रखने में कोई सबसे बड़ा मददगार है तो वो अखिलेश यादव हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि बीएसपी यहाँ आए, इस देश में शासन करे और बहुजनों की बात करे और संविधान की बात करे और देश के संविधान की सुरक्षा करे, और वो ये चाहते हैं कि बीजेपी ही रहे, और मेरी जो उठक बैठक है योगी जी के साथ, प्रधानमंत्री जी के साथ, मेरे परिवार की जो चीज़ें चल रही हैं वो हमेशा चलती रहे। सबसे ज़्यादा कौन बैठता है योगी जी के साथ? अखिलेश परिवार तो बैठता है, बहन जी को कभी बैठे हुए देखा है? बीजेपी के किसी लीडर के साथ बैठे हुए देखा है? तो आप ये देख लीजिए
पर्दे के पीछे और कुछ है और पर्दे के आगे कुछ और है। पर्दे के पीछे कुछ और है और पर्दे के आगे कुछ और है। यहाँ के लोगों का ये कहना है कि जो बीजेपी को मनाने में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने मदद करी है वो किसी और ने नहीं करी है, और जो दलित की राजनीति है उस पर गहरी चोट समाजवादी पार्टी पहुँचा रही है, ऐसा इनका कहना है। अनमोल शर्मा, टीवी9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।